क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर नंबर 3। अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि कोई भी इक्वेशन दिया गया है तो उसके जब हम रूट्स निकालेंगे तो उसके किस तरीके से नेचर्स हो सकते हैं, और हमने देखा था डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, एंड देन हमने पढ़ा था आयोटा एंड पावर ऑफ आयोटा के बारे में। आयोटा का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, तो हमने आयोटा के बारे में एंड पावर ऑफ आयोटा के बारे में पढ़ लिया था। आज हम जानेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिस भी नंबर को हम ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिख सकते हैं वो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। एंड जहाँ पर ए एंड बी रियल नंबर्स होते हैं, एंड यहाँ पर जो आयोटा है, आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट माइनस वन। अब देखिए यहाँ पर जो नंबर है ए प्लस आयोटा बी, इसके ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसके दो पार्ट हैं। जो ए है इसे हम कहेंगे रियल पार्ट, जो हमारा ए है वो आएगा रियल पार्ट के अंदर, और जो बी है ये आएगा इमेजिनरी पार्ट के अंदर। इसे हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। एंड अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में और अच्छे से डिटेल्स में जाने तो ये देख सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दो पार्ट से बना होता है। इसका पहला पार्ट रियल होता है एंड दूसरा पार्ट इमेजिनरी होता है, यानी कि जो आयोटा बी है ये पार्ट हम इसे कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। एंड जो हमारा ए वाला होता है इसे हम बोलते हैं रियल पार्ट। इन्हीं दोनों को मिलाकर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। एंड यहाँ पर जो आयोटा है, आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट माइनस वन। अब देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी ए प्लस आयोटा बी, इसके भी तीन हिस्से होते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है हमारा प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर तब होगा जब हमारा ए इज इक्वल टू नॉन जीरो हो और आयोटा बी इज इक्वल टू जीरो हो। मतलब ये कि हमारा जो बी है इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। एक ऐसी कंडीशन जिसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर की जो बी पार्ट है यानी इमेजिनरी पार्ट है, इसमें बी कंपोनेंट जीरो के इक्वल है, तब हम कहेंगे कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि उसका आयोटा वाला पार्ट जीरो के इक्वल हो जाएगा। एंड दूसरा इसका कंपोनेंट होता है प्योरली इमेजिनरी नंबर। प्योरली इमेजिनरी नंबर या फिर बोले तो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये तब होगा जब हमारा ए प्लस आयोटा बी का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें ए पार्ट जीरो के इक्वल हो, यानी कि जो रियल पार्ट है वो जीरो हो, तब हमारा इस तरीके का कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है। और एक कंडीशन होता है जिसमें सिर्फ इमेजिनरी की बात होती है, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी तब होगा जब उसका बी पार्ट जीरो के इक्वल नहीं हो, यानी कि जब भी
किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का बी पार्ट जीरो हो जाएगा, वो पूरी तरह से प्योरली रियल हो जाएगा, और जब उसका ए पार्ट यानी रियल पार्ट जीरो की इक्वल हो जाएगा तो वो पूरी तरह से इमेजरी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, एंड जब उसका बी पार्ट जीरो की इक्वल नहीं होगा तब वो नंबर इमेजरी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, क्योंकि अगर बी पार्ट जीरो के इक्वल नहीं होगा तो जीरो के अलावा बी की कुछ वैल्यू होगी, चाहे वो निगेटिव में हो या फिर पॉजिटिव में हो, क्योंकि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी, यहाँ पर जो ए और बी है ये दोनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ए की वैल्यू या फिर बी की वैल्यू निगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है। एंड यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि जितने भी रियल नंबर्स होते हैं ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आते हैं। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जांपल की बात करें तो सपोज़ कीजिए कि 2 प्लस हमें 5 आयोटा गिवन है, तो यहाँ पर जो 2 है ये जो 2 है ये रियल नंबर के बराबर होगा, यानी कि इसे हम रियल पार्ट बोलेंगे, एंड जो हमारा 5 आयोटा है इस ये हमारा इमेजरी नंबर होगा, ये हमारा रियल नंबर होगा एंड ये जो होगा ये हमारा इमेजिनरी नंबर होगा। अब चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर से आगे बढ़ते हैं और ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन आर्गन प्लेन, यहाँ पर जो आर्गन प्लेन है इसका मतलब है, जैसा कि आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन के बारे में, तो यहाँ पर जो आर्गन प्लेन है इसी को हम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन की तरह भी समझ सकते हैं। बस फर्क ये है कि जब हम क्लास 10th में पढ़ रहे थे जियोमेट्री के बारे में तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरीके से हमें ग्राफ दिया रहता था, जो एक्स एक्सिस ये वाला लाइन, ये वाला जो कोऑर्डिनेट था इसे हम एक्स एक्सिस कहते थे, ये वाला कोऑर्डिनेट इसे हम वाई एक्सिस कहते थे, लेकिन इस आर्गन प्लेन में बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि ये हमारा पॉइंट ओरिजिन होता है जिसे हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ये जो होता है इसे हम रियल एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्सिस की जगह पे हम इसे रियल एक्सिस कहते हैं, एंड ये जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है जो वर्टिकल है इसे हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। इससे पहले जिसे हम वाई एक्सिस के नाम से जानते थे वो हो जाता है हमारा आर्गन प्लेन में इमेजिनरी एक्सिस, एंड जिसे हम पहले एक्स एक्सिस के नाम से जानते थे वो इस आर्गन प्लेन में या फिर बोले तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये रियल एक्सिस के नाम से जाना जाता है, एंड बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं। हम ग्राफ सिस्टम में देखते थे कि जो इधर का डायरेक्शन है इसे पॉजिटिव लेते थे यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस का, तो ठीक उसी तरह से ये वाला जो डायरेक्शन होगा ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर का जो इमेजिनरी एक्सिस है वो पॉजिटिव होगा, और इस डायरेक्शन का जो रियल एक्सिस है यानी इधर भी रियल एक्सिस होगा इधर भी रियल एक्सिस होगा, लेकिन ये निगेटिव डायरेक्शन का होगा, और ऊपर इमेजिनरी एक्सिस होगा, इसके नीचे भी इमेजिनरी एक्सिस होगा लेकिन ये जो होगा निगेटिव डायरेक्शन के लिए होगा। तो उस ग्राफ सिस्टम में एंड इसमें आर्गन प्लेन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस नाम का चेंजेस है, जो वहाँ पर वाई एक्स एक्सिस था वो ये रियल एक्सिस हो गया और जो वाई एक्सिस था वो इमेजरी एक्सिस हो गया। अब सपोज कीजिए कि आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है जिसे आपको आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है, तो सपोज कीजिए कि आपको एक ए प्लस आयोटा बी, ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, यहाँ पर जेड जो लिखा है जेड कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अगर आपको कहीं भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो उसकी जगह पे आप जेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जेड इज इक्वल टू, अगर हमें
ए प्लस आयोटा बी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है और इसे हमें आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे? तो सिंपल है, जो रियल पार्ट है उसे रियल एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है उसे इमेजिनरी एक्सिस पे करेंगे। सपोज़ कीजिए कि जो रियल पार्ट है यानी ए जो है वो कहीं यहाँ पर इस पॉइंट पे बिलोंग करेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए एंड इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर देख सकते हैं ये पॉजिटिव है, यानी इमेजिनरी पार्ट जो बी है इसके आगे प्लस का सिंबल है, इट मीन्स दैट कि ये पॉजिटिव वाले इमेजिनरी एक्सिस में आएगा। तो सपोज़ कीजिए बी का पॉइंट कहीं यहाँ पर होगा, तो अगर हम इन दोनों का कोऑर्डिनेट बनाएं तो इन दोनों का कोऑर्डिनेट हमें कुछ इस पॉइंट पे मिलेगा, यानी कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर हमें ए और बी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ए कॉमा बी जो है ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ए रियल को बताया, रियल एक्सिस पे पॉइंट है, और बी इमेजिनरी एक्सिस के पॉइंट को बता रहा है। इसी तरह से और एग्जांपल लेके समझना चाहते हैं, तो सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर आपको इस तरीके से एक ग्राफ दिया हुआ है और आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है जेड इज इक्वल टू 2 + 3 iota। अगर इसे आपको आर्गन प्लेन पर रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए ये हमारा हो जाएगा रियल एक्सिस एंड ये हो जाएगा हमारा इमेजिनरी एक्सिस। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो रियल एक्सिस है यानी कि जो 2 है इसके आगे भी प्लस का सिंबल है, तो ये भी पॉजिटिव यानी रियल एक्सिस में पॉजिटिव की तरफ होगा, यानी कि सपोज़ कीजिए यहाँ पर हमारा कहीं 2 आएगा एंड जो 3 है ये भी पॉजिटिव में है यानी कि इमेजिनरी के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। तो सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर हमारा कहीं 3 है, तो इन दोनों का अगर हम पॉइंट मिलाएं तो हमारा कहीं पॉइंट इस पॉइंट पे आएगा, यहाँ पर आएगा, तो ये हो जाएगा 2, 3। तो ये हो जाएगा हमारा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन। एंड यहाँ पर जो आयोटा है इसे हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे क्योंकि इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है √-1। तो ये जो हमारा आयोटा है इससे हमें उसी तरह से रहने देना है, बस हमें ये आयोटा को देखकर हमें बस ये पता चलेगा कि इसमें से इमेजरी पार्ट कौन है और रियल पार्ट कौन है। तो जिसके साथ आयोटा होगा वो हमारा इमेजरी पार्ट होगा और जिसके साथ आयोटा नहीं होगा वो हमारा रियल होगा, रियल पार्ट होगा। अब चलिए इसके बाद से बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी प्रॉपर्टी इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो देखिए सपोज़ कीजिए कि आपको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं ए प्लस आयोटा बी एंड सी प्लस आयोटा डी। अब अगर हम इन दोनों की इक्वालिटी की बात करें तो ये दोनों इक्वल एक शर्त भी हो सकते हैं, ये दोनों इक्वल तभी होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ जब यहाँ पर हमारा ए इज इक्वल टू सी होगा एंड बी इज इक्वल टू डी होगा, यानी कि यहाँ पर जो आयोटा है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू √-1 होगी। जो रियल पार्ट है इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का वो एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए एंड जो इमेजिनरी पार्ट है वो एक दोनों एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, यानी ए सी के इक्वल होना चाहिए और बी डी के इक्वल होना चाहिए। अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस केस को सेटिस्फाई कर रहा है तभी हम कहेंगे कि वो जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान रखने वाली बात है कि इनइक्वालिटी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इनइक्वालिटी की बात नहीं करते हैं क्योंकि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहला प्रॉपर्टी देखा इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ए प्लस आयोटा बी तो हम इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल तो प्रूफ कर सकते हैं एक कंडीशन में जब ए इज इक्वल टू सी हो और बी इज इक्वल टू डी हो, लेकिन ये इक्वालिटी प्रूफ कर सकते हैं लेकिन हम इन दोनों
कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर का कोई भी मतलब नहीं होता है इनइक्वालिटी कॉम्प्लेक्स नंबर में। इसी वजह से यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, नोट डाल के ये आप भी लिख लीजिए कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें इनइक्वालिटी कोई भी सेंस नहीं बनाती है। इनइक्वालिटी या फिर बोले तो हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। एंड अगर एक एक्सेप्शन भी है कि हम अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर कर रहे हैं तो उन्हें हम कंपेयर तभी कर सकते हैं जब उन दोनों के इमेजिनरी पार्ट जीरो के इक्वल हो, यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट है वो जीरो के इक्वल होना चाहिए। एंड सपोज़ कीजिए कि ऊपर वाला जो हमें ए प्लस आयोटा बी एंड सी प्लस आयोटा डी है, इन दोनों में हमें इक्वालिटी प्रूफ इनइक्वालिटी प्रूफ करनी है कि सपोज़ कीजिए ए प्लस आयोटा बी अगर ये बड़ा है तो ये बड़ा तभी हो सकता है सी प्लस आयोटा डी से जब बी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू जीरो हो, क्योंकि अगर बी एंड डी जीरो हो जाएंगे तो हमारे पास प्योरली रियल नंबर बचेगा सी प्लस आयोटा डी। एंड अगर बी एंड डी की वैल्यू जीरो है तो हमें मिलेगा सी प्लस जीरो। एंड देखिए ए इज़ ग्रेटर देन सी, ये कंडीशन पॉसिबल है लेकिन तभी जब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट जीरो को इक्वल होने चाहिए। और अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट जीरो के इक्वल हैं तब